150 प्लस फेंकने वाले भाईजान की आज हालत इतनी बदतर हो गई कि यकीन 266 सिर्फ नसीम शाह और जो है ना शाहीन अफरीदी ओपनिंग आ जाता वो कर जाते सारा। अच्छा हमको सिखा रही है। आज पूरे फैंस इनकी दुआएं कर रहे थे, या अल्लाह एक बारिश और कर दे बस, और कुछ नहीं चाहते हम। भले आका ना मिले, एक बारिश और हो जाए। अल्लाह का शुक्र है यार बारिश हो गई यार। अगर बारिश ना होती इंडिया ने तो 500 कंफर्म ही मारना था। ये कुछ मैच खेलने का तरीका है यार। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हमारी बॉलिंग देखना शाहीन अफरीदी शर्मा मेरी बात पहली बॉल पे उठ करेगा तो बेटा पता चला किस चिड़िया का नाम है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं नायक। आज का वीडियो में आप सबका स्वागत है। पाकिस्तानियों सूजी है, स्वाद आया, ठंड पा गई, आटे की कीमत की बराबर औकात नहीं, और बातें चंद्रयान 3 की स्पीड जितनी। थोड़ी शर्म कर लो, अपनी असली अबू की पैर पकड़ो, अगली बार थोड़ी पिटाई कम होगी। सिर्फ नसीम शाह और जो है ना शाहीन अफरीदी ओपनिंग आ जाता वो कर जाते सारा। भाई हमारी बॉलिंग देखना शाहीन अफरीदी शर्मा मेरी बात पहली बॉल पे उठ करेगा तो बेटा पता चला किस चिड़िया का नाम है। क्या बेइज्जती है भाई। पाकिस्तानी क्रिकेटर की औकात क्या है जो इंडिया को टक्कर दे। सिर्फ बातें बनाने में पाकिस्तानी जज्बा दिखाते हैं, आतंकी फैलाने में जज्बा दिखाते हैं। हमारे अंदर जज्बा भी है, जहाद भी है, हम लोग उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? जज्बा तो है ना उनसे ज्यादा है। अच्छा जज्बा ज्यादा है। नसीम शाह फाइनल आवर में बाकी साला फाइनल आवर में गजब बेइज्जती है। पाकिस्तानी हर फील्ड में इंडिया के आगे घुटने टेकते हैं। अब्बू के सामने घुटने टेकने में मजा आता है परकियों को। जैसे 1971 में 93,000 पाकिस्तानी घुटने टेके थे इंडिया के आगे। उसका धंधा है भाई, जिम का कारोबार है। रोहित शर्मा छक्का फिर छक्का फिर चौका। मैंने कहा बेटा बंद कर दो मैच, इससे ज्यादा हम देख नहीं सकते। बस बस आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। शुभन गिल को जो हमने बच्चा समझा था वो देख लो उन्होंने क्या बच्चे ने किया है। उन्हें डंडा ऐसा दिया ना शाहीन अफरीदी को लग पता गया। शाहीन मैं बहने ये दुआ कर रही थी कि या अल्लाह बारिश दे दे वरना जी जरा पाकिस्तान है 500 पे जाना जी। आज पूरे फैंस इनकी दुआएं कर रहे थे, या अल्लाह एक बारिश और कर दे बस, और कुछ नहीं चाहते हम। भले आका ना मिले, एक बारिश और हो जाए। बड़ा हरामी हो बेटा। वैसे तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी क्रिकेटर को कोई पसंद नहीं करता, कोई पूछता नहीं। उनका खेल देख के और विराट कोहली का बैटिंग देख के पूरा पाकिस्तानी पागल, क्योंकि पाकिस्तान का ऑफिशियल फादर है ही विराट कोहली। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। मेरे ख्याल से वो सेंचुरी करेगा इस दफा। तो कितना स्कोर करेगा? सेंचुरी हो जाएगी इस मरतबा। कोहली सेंचुरी करेगा। अच्छा। क्योंकि पिछली बार वो गुस्से में था काफी। विराट कोहली ने घंटा बजा दिया, बाबर आजम का घंटा बजा दिया विराट कोहली ने। सबको पता है कि जो इंडिया की बैटिंग है वो एक नंबर से लेकर 8 नंबर तक बेस्ट है, सारी दुनिया को पता है। विराट कोहली ने आगे इनकी भाजन मार निकाल ली है, बता दिया इनको कि अब्बू आपका एक ही है, उसका नाम विराट कोहली है। MCG में विराट कोहली ने ठोका था, हर जगह विराट कोहली ठोकता है, आज फिर विराट कोहली ने कलंबो में ठोक दिया पाकिस्तान को। गजब बेइज्जती है। पाकिस्तान में जो कुछ थोड़ा बहुत आटा था सबके सब बर्बाद। कोहली और एल के राहुल मिलके परकियों को इतना धुलाई की पाकिस्तानी के आंसुओं से बच्चा कुचा आटा दो गया भाई। इसको को अपनी जबान कंट्रोल करे। जली ना तेरी भी जली ना। शुक्र कर बारिश हो गई, अगर बारिश ना होती इंडिया ने तो 500 कंफर्म ही मारना था। ये कुछ मैच खेलने का तरीका है यार। आपको किसने बताया पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन अच्छी है? सर पूरी दुनिया मानती है हमारी बॉलिंग लाइन नंबर वन। अच्छा पूरी दुनिया पागल है तो हम भी पागल हैं। अल्लाह यार ऐसा प्रेशर कौन डालता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। पाकिस्तानियों सूजी है।
जोजोई वाली कॉम बातें बनाने में सबसे आगे है। बाबर ये है, बाबर वो है, बाबर वर्ल्ड का नंबर वन बैट्समैन है, पाकिस्तानी आर्मी की तरह नंबर वन है। लेकिन लेकिन खुदा पाड़ निकली चूहा, अरे भाई ये चूहा नहीं, ये तो खुदेदा पुत्र। बुरा लगता है भाई। मेरे ख्याल से उनके लिए बाबर आजम ही काफी है, तो इंशाल्लाह इसलिए इंडिया को चाहिए कि जरा बच के रहे। तो नाम तो सुना होगा बाबर आजम, वर्ल्ड नंबर वन ओडीआई बल्लेबाज और पाकिस्तान की शान कप्तान बाबर आजम। अबे दो कौड़ी का प्लेयर है वो, दो कौड़ी का गजब बेइज्जती है। प्यारी समझ गई। इंशाल्लाह इसे इसकी मर्जी के ग्राउंड पर शिकस्त देंगे। ये बड़ा उछलते हो ना कि अफगानिस्तान से जीत गए, पला पर बाप से जीत के। देखा वो कहावत है, कहते हैं कि बेटा जितना भी बड़ा हो जाए रहता बाप के हाथ के नीचे ही है। पता नहीं बाप के आगे आके इनको क्या हो जाता है। पिछले साल का जो है वो एशिया कप याद आ गया मेरे को। भिखारियों पड़ोसियों जरा ये बताओ कौन कौन सी जगह सूझ रही है। सूरा की सूझ रहे होंगे बता दे मेरे को। भाइयों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का दबाना ना भूले। जय हिंद।